हाय माय लवलीज, बहुत टाइम से मैंने स्किन केयर नहीं करा है और कुछ दिनों से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी, तो चेहरा काफ़ी डल लग रहा है, बहुत बेजान। तो मैंने सोचा है आज संडे भी है तो चलो स्किन केयर करते हैं। इसे आप मंथली स्किन केयर भी बोल सकते हो क्योंकि काफ़ी सारे स्टेप्स होने वाले हैं जो कि मैं यूजुअली फॉलो नहीं करती हूँ। वंस इन अ वीक या ट्वाइस इन अ वीक मैं फॉलो करती हूँ। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक हेडबैंड लगा लेती हूँ ताकि फेस पे बाल ना आए मेरे। थ्रेडिंग मैंने कल ही करवाई है क्योंकि काफी ज्यादा ग्रोथ हो चुकी थी और खुद से करने में शेप खराब हो जाता, तो मैंने सोचा कि चलो इस बार पार्लर से करवा लेते हैं। तो अभी सबसे पहले क्लीन अप स्टार्ट करते हैं। क्लेंजर के लिए मैं कामा आयुर्वेदा का रोज जैस्मिन फेस वॉश क्लेंजर यूज कर रही हूँ। फेस को वेट करके पाम्स में थोड़ी सी क्वांटिटी लेकर के ऐसे रब करना है। फेस टाइल मैंने मिनिसो से लिया था तो काफी जेंटल है मेरे स्किन पे। नेक्स्ट स्टेप के लिए मैं पीलिंग सॉल्यूशन यूज कर रही हूँ। ये फिजिकल एक्सफोलिएशन है, रिसेंटली मैंने बाय करा है। पहले मैं नॉर्मल स्क्रब ही यूज करती थी। 1 मंथ से ट्राई कर रही हूँ तो मुझे काफी अच्छा लगा। तो स्टार्टिंग मैंने पिलग्रिम के पीलिंग सॉल्यूशन से ही करा था। इसकी कंसिस्टेंसी काफी थिक होती है। पीलिंग सॉल्यूशन को आपको 10 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना है। अगर आपको इरिटेशन होती है तो तुरंत ही फेस वॉश कर लिया करो। और बाकी के डूज एंड डोंट आपको मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स में मिल जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में मैं फेस मास्क लगाऊंगी। फेस मास्क मैं क्वेंच का ले रही हूँ, एक क्ले मास्क, ताकि स्किन क्ले मास्क आपकी स्किन को काफ़ी अच्छे से डिटॉक्सीफाई कर देता है, तो इसलिए मैं ले रही हूँ। ये मोन चेरी ब्राइटनिंग पिंक क्ले मास्क है और क्वेंच के प्रोडक्ट्स पर्सनली मुझे काफी पसंद है। ओके, क्या आपके पीछे लग गया है तो वेस्ट नहीं करते प्रोडक्ट को और अप्लाई करते हैं। ये हेल्प करता है हमारे स्किन रेडियंस को बूस्ट करने में और डीपली क्लीन करता है। इसमें गुडनेस है चेरी ब्लॉसम, ग्रेपफ्रूट और पर्ल्स। कल तो मैं पार्लर जाकर के आईब्रो करवा ली थी बट फेशियल हेयर मेरे बचे हुए हैं और मुझे भी थोड़ी सी आ गई है, तो हमारे पैम्पर सेशन में मैं इसे भी आज रिमूव करूंगी। एलोवेरा मैं मुहा ब्रांड का ले रही हूँ। रेजर में बॉम्बे शेविंग का यूज कर रही हूँ। काफी टाइम से मैं यूज कर रही हूँ, अफोर्डेबल भी है। फेशियल हेयर हमें कभी भी ड्राई स्किन से नहीं रिमूव करना चाहिए, हमेशा कोई लुब्रिकेंट लगाना चाहिए लाइक मॉइस्चराइजर या फिर एलोवेरा जेल। मैं यूजुअली एलोवेरा जेल प्रेफर करती हूँ। देख सकते हो कितना ज़्यादा हेयर निकला है। ये मैंने 1 मंथ बाद रिमूव करा है तो ये मेरा हेयर ग्रोथ उतने दिन का काफ़ी क्लीन लग रही है। अभी ग्लो के लिए मैं एक फेस पैक लगाऊंगी जो कि है एक्वालॉजिका का ग्लो प्लस गैलिटो फेस मास्क। ये काफ़ी अच्छा ग्लो प्रोवाइड करता है जब भी मुझे ऐसे क्विक सा ग्लो। चाहिए होता है तो मैं ये मास्क लगाती हूँ और फॉलो अप करती हूँ शीट मास्क से।
इसकी फ्रेग्रेंस काफी अच्छी है, ऐसे पूरे मैंगो वाली फ्लेवर आती है, तो ये लगा के मुझे बहुत ही मजा आता है। इसे लगाने के बाद मुझे जरा सा भी नहीं लगता कि फेस मास्क लगाया हुआ है, क्योंकि ये काफी जेंटल है और इसका ऐसे काफी ठंडा ठंडा इफेक्ट लगता है स्किन पे लगाने से, और बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता है। मुझे ब्लैक हेड्स की काफ़ी प्रॉब्लम है, वाइट हेड्स तो उतना नहीं होता तो चल जाता है, बट ब्लैक हेड्स पूरा क्लीन अप अगर आप कर लो और आपके ब्लैक हेड्स विजिबल है ना, तो बहुत गंदा इंप्रेशन होता है। तो मंथ में एक बार मैं नोज स्ट्रिप यूज़ करती हूँ, जिससे मेरे ब्लैक हेड्स काफ़ी अच्छे से रिमूव हो जाते हैं। नोज स्ट्रिप हमें कुछ टाइम के लिए छोड़ना पड़ता है, तो साथ ही मैं स्विस ब्यूटी का आई पैथ सीरम भी यूज़ कर लूँगी, जिससे हमारा टाइम बच सके। नोज स्ट्रिप निकालना बहुत सेटिस्फैक्शन प्रोसेस होता है, मुझे तो बहुत मज़ा आता है ये प्रोसेस करने में, और रिज़ल्ट आप देखोगे तो बहुत सारे आपको ब्लैक हेड्स दिखेंगे, वाइट हेड्स दिखेंगे। लेट मी शो यू। अभी मेरी नोज़ काफ़ी क्लियर हो गई है, काफ़ी सॉफ्ट लग रही है, ब्लैक हेड्स ज़रा भी नहीं है। टोनर के साथ फॉलो करना नेक्स्ट स्टेप। TNW का विटामिन सी सीरम मैं यूज़ कर रही हूँ, इसमें विटामिन सी 20% है, तो गुड फॉर बिगनर्स के लिए है। दो पंप ले करके दो मिनट रुकना है ताकि सीरम अच्छे से हमारे स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए, फिर हम लोग मॉइस्चराइजर लगाएंगे। ज़ूडियो का मैं लिप बम लगा रही हूँ इन द वेरियंट क्रैनबेरी, ये टिंटेड नहीं है। अब तक के कई सारे वीडियोस में आपने देखा होगा मुझे ये लिप बम लगाते हुए, ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं, आपको पता होगा ज़ूडियो प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड नहीं करता है, और लिटरली मैंने इसके 5 से 6 पैकेजिंग ख़त्म कर चुके हैं। मॉइस्चराइजर के लिए मैं वाओ स्किन साइट्स का लिफ्ट एंड फर्म एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। इसका कलर वाइट में ट्रांसपेरेंट नहीं है, और साथ में आपको ये मसाजिंग रोलर भी मिल जाता है। आज के वीडियो में मैं जो भी प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ वो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, सब मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ, इसलिए मैं रेकमेंड कर रही हूँ। यहाँ पे आपको येस और नो दोनों दिख जाएगा, आपको ये रोटेट, अगर आप ये रोटेट करते हो तो ये लॉक हो जाता है, और अगर आप वापस इसको रोटेट करते हो तो ये ऑन हो जाता है। डायरेक्टली आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, बट मैं फिंगर की हेल्प से लगाऊंगी। एंड में मैं अंडर आई क्रीम लगाऊंगी। अंडर आई क्रीम के लिए मैं क्वेंच का यूज कर रही हूँ, इसमें आपको एक अटैचमेंट मिलती है जिससे आप मसाज कर सकते हो। अभी के टाइम में डार्क सर्कल होना बहुत ही ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, तो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप कोई डार्क सर्कल क्रीम लगाओ या फिर प्रॉपर केयर करो। अगर आप क्रीम यूज करते हो तो देखना इंग्रेडिएंट में कैफीन हो ही हो, क्योंकि वो डार्क सर्कल के लिए बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है।